सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए और एक नई वीडियो लेके आ गए हूँ टीवीएस एंटॉर्क के ऊपर। तो हमारी एंटॉर्क की जो सामने का हाइड्रोलिक है उसके ऊपर हम लोग गोल्डन कलर की रैपिंग करने वाले हैं, घर में खुद करने वाली हूँ। तो गाइस, 50 रुपीज़ का आप लोगों को एक रैपिंग पेपर का ज़रूरत है, स्क्वायर 1 फुट का है लगेगा। तो दिखाता हूँ, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर दें। तो वैसे ये जो है हमारी रैपिंग पेपर तो 1 फुट का है और हम लोग ऑफलाइन ले आया हूँ, 50 रुपीज़ पड़ा मेरे को, ठीक है। तो गाइस, ये रैपिंग करने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग जितना पार्ट सस्पेंशन का दिख रहा है बाहर की तरफ उतना ही ऊपर हम लोग रैपिंग करने वाले हैं घर में, और माटगट के अंदर जो पार्ट है वहाँ पर नहीं करने वाले। तो गाइस, चलिए कि हम लोग पहले चक्का को खोल लेते हैं। सामने का जो टायर है उसको खोलने के बाद हम लोग जो हाइड्रोलिक है अच्छे से क्लीन कर देंगे कपड़ा का मदद से, और मडगट को अनस्क्रू करके खोल लेंगे, ठीक है। तो वैसे हमारी जो स्कूटी का मडगट है खोलने के बाद जो हाइड्रोलिक है अच्छे से क्लीन कर लेंगे और हम लोग इसके ऊपर रैपिंग करने वाले हैं। तो वैसे आप लोगों का जो रैपिंग पेपर है मेजरमेंट करके एक साइड का आप लोग कट लेना है आप लोगों को, उसके बाद रैपिंग करना। तो वैसे हमारा पहला जो हाइड्रोलिक है उसके ऊपर रैपिंग कर दिया हूँ, ऐसे ही करना आप लोग भी। ऊपर की तरफ नहीं किया हूँ, वो मडगट के अंदर रहेगा उसीलिए। तो वैसे जो राइट वाला सस्पेंशन है उसके ऊपर हम लोग रैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे पहले हम लोग मेजरमेंट करके काट लेंगे रैपिंग पेपर को, उसके बाद स्टिक करेंगे, ठीक है। Thank you.
बस हमारे जो फॉन्ट का सस्पेंशन है उसको ऊपर रैपिंग कर दिया हूँ हम लोगों ने, पूरा प्रीमियम क्वालिटी का दिख रहा है। और चलिए हम फॉन्ट का जो हुई ले लगा देता हूँ उसको, बहुत सिनेमेटिक शॉट दिखाऊंगा। फॉन्ट का हुईल लगाने के बाद ऐसे ही लुक आ रही है। तो गाइस चलिए आप लोगों को सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ। तो गाइस आशा रखता हूँ हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए है बाय।